आज हम दिल्ली के अशोका होटल में हैं। यहाँ पैरा ओलंपिक जो हमारे एथलीट्स हैं वो एशियन गेम्स के लिए जा रहे हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। उन्होंने कितनी तैयारियाँ की हैं इसके लिए और कितने उत्साहित हैं? मैं शरद गायकवाड़ हूँ, पैरा स्विमर हूँ कर्नाटका से। कैसा आप फील कर रहे हैं, बताएं और क्या क्या एक्सपीरियंस आपके रहे हैं? पहले कि मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ऐसा एक ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम और हमको बधाई दे रहे हैं। और मेरा भी ये विश है कि पूरा इंडियन पैरा स्पोर्ट्स टीम जो है एशियन पैरा गेम्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाए और पिछले बार से ज़्यादा मेडल्स लेके आए और हो सके तो हम देश को टॉप मेडल टेबल में टॉप पे लेके जाए। और एक्सपीरियंसेस ये है कि जितना ज़्यादा हमको इनिशियली जो इनक्रेज मिलता है वही हमारे लिए मेन मोटिवेशन है। जो सपोर्ट मेडल के बाद मिलता है वो पहले बहुत हो चुका है कि मेडल से पहले नहीं मिलता है, तो हम चाहते हैं कि मेडल से पहले जितना हो सपोर्ट हो सके वो मिले ताकि हम और अच्छा हार्ड वर्क कर सके और अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दें। इससे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जितनी भी सुविधाएं हैं हमें मिलनी चाहिए, तो इसके लिए प्रशासन और उनका सपोर्ट कितना आप तक पहुँचते हैं? बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन थोड़ा पेस थोड़ा स्लो है। जिस रेट पे हमको मिलता है सपोर्ट फैसिलिटीज़ वो थोड़ा लेट आ जाते हैं। फैसिलिटीज़ है, मिलता है, लेकिन थोड़ा लेट आ जाता है। बट पहले जो स्टेटस था पैरा स्पोर्ट्स का करीब 10 साल पहले वो आज नहीं है, वो अब बहुत अच्छा हो चुका है। पहले तो बहुत स्ट्रगल करते थे लेकिन अभी बहुत अच्छा सपोर्ट है और यही उम्मीद करते हैं कि और अच्छा सपोर्ट आता रहे। तो कुल मिला के आपका ये कहना है कि हमें फैसिलिटीज़ और पूरी तरह मिले तो हम और आगे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं? हाँ, देखिए अभी 10 साल पहले हमारे पास सिर्फ ओलंपिक पैरालंपिक्स का पार्टिसिपेशन था। 2012 में एक मेडल आया, फिर 2016 में 4 मेडल आए, तो सपोर्ट आ रहा है और अच्छे से आएगा और हम और ज़्यादा लोगों को मेडल एक्सपेक्टेड है। आप देना चाहेंगे कि उनको क्या मोटिवेट अपनी तरफ से करें? हाँ, मैं यही कहता हूँ हमेशा कि मेरा ये पर्सनल मोटो है जो मेरे आइडल यान थोप से लिया था कि हमें 100% देना है, कुछ भी हो जाए। हार या जीत स्पोर्ट्स में हमेशा रहता ही है। आज जो हारेगा कल वो जीत सकता है, कल जो आज जो जीता है कल वो हार भी सकता है, लेकिन हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो कि 100% देना। हमें ऐसा नहीं लग जाए, जैसे मेरा स्पोर्ट्स स्विमिंग है, मुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रेस ख़त्म होने के बाद मैं और मुझे ये महसूस नहीं होना चाहिए कि मैं और अच्छा कर सकता था। मुझे मैं हारूँ या जीतूँ मुझे ये लगना चाहिए कि मैंने अपना 100% एफर्ट दिया है और कुछ एनर्जी बचा नहीं था। करने के लिए 100% टारगेट को लेके ही खेलना चाहिए। अगर आप 100% नहीं देते हो तो अगर हार जाते हो तो ये है कि आपने 100% नहीं लगाया। हाँ, अगर आप टेबल पे कुछ नहीं छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया लेकिन फिर भी इस बार सक्सेसफुल नहीं हो पाए, कि अगले बार फिर से ट्राई करेंगे। ये बड़े गौरव की बात है, इस ओकेजन पे आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबकी शुभकामनाओं की हमें बहुत ज़रूरत है। आप हमारे गेम्स को देखते रहिए, हम सब लोग मिलकर पैरा एशियन गेम्स जकार्ता के लिए जाने वाले हैं 2-4 दिनों में। सम्मान समारोह शायद मैं इसे नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी विदाई समारोह, एक ऑल द बेस्ट समारोह जिसमें हमें बहुत इज्जत के साथ खूब सारे जोश भर के हमें भेजा जा रहा है कि हम जाएं और अपने तिरंगे झंडे को ऊंचा करें, देश के लिए बहुत सारे मेडल जीतें और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब ऊंचा करें। 3 दिन बाद जाने वाले हैं। जी जी, ठीक है। तो आपने क्या क्या उसके लिए तैयारियाँ की हैं पहले से ही और क्या क्या तैयारियाँ? तैयारियाँ तो हमने, बट बहुत अच्छी बात है कि पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया जो हमारी कमेटी है, राव इंद्रजीत सिंह जी जो हमारे प्रेजिडेंट हैं और तमाम जो हमारा स्टाफ है, इस बार बहुत अच्छा चयन किया गया है, बहुत अच्छे खिलाड़ियों को चुना गया है जिनकी बहुत अच्छी एशियन रैंकिंग है और
तैयारी में बहुत सारा सपोर्ट है, कैंप लगे हैं, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम भी हमें मिली है और अलग अलग शहरों में कैंप लगे हैं। जो चयन का प्रोसेस है वो भी बड़ा अच्छा फेयर रहा है और बहुत सारे नए खिलाड़ी उभर कर आए हैं, वो बहुत अच्छी बात है कि रियो के बाद अचानक इन दो सालों में इतना बेहतरीन टैलेंट उभर कर आगे आया है। तो हम वी रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत एक उम्दा और सबसे बेहतरीन पैरा एशियन गेम्स अब होगा इस साल। ओके, क्या तैयारियां आपकी रही हैं, बताएं जरा। तैयारी तो पूरे 3 महीने से चल रही है और अभी आएंगे तो तभी पता चलेगा कि कैसे खेलेंगे। बिल्कुल जरूर, और मेडल जीत के भी आएंगे आप सभी लोग। जी जी। तो तैयारी के दौरान कुछ ऐसी आपको कठिनाइयां जिनको सामना करना पड़ा हो? जी, सारी मतलब सारे क्लाइमेट के हिसाब से हमने तैयारी करी है, हर जगह पे जाके की है, तो मेहनत तो सभी ने ज्यादा की है। आर्चरी से हूँ। आर्चरी से? मेरा नाम राकेश है और मैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से आप? उत्साह तो होता ही है लेकिन अपनी तैयारी बहुत अच्छी है इस बार, काफी अच्छा करके भी आएंगे। आप बताएं सर, किस स्पोर्ट में? ऑफिशियल हूँ सर। अच्छा, ऑफिशियल है, ठीक है। आपका कितना मतलब सहयोग है इन सभी के साथ ऑफिशियल होने के बावजूद? सर, हमारा सहयोग यही रहता है कि प्लेयर को टाइम से प्रैक्टिस पे लेना, टाइम टू टाइम इनका इक्विपमेंट देखना, इक्विपमेंट क्लियर रखना। मेरा नाम हरविंदर सिंह, हरियाणा से, मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट से और अभी आर्चरी में है पिछले 6 साल से, और अभी हमारे जो फर्स्ट ट्रायल हुए थे मार्च से तब से कैंप चल रहा है, बीच में एक मंथ का लीव था, उसके बाद पिछले 3 महीने से कंटिन्यू कैंप चल रहा है। पहले रोहतक में थे, उसके बाद कैंप शिफ्ट हुआ औरंगाबाद में, वहाँ पर हमने जैसे हवा थी उधर 1-1.5 महीने का कैंप था, उसके बाद अभी इधर शिफ्ट किए हैं, 10 दिन का कैंप इधर है सोनीपत में, इधर से जीता दिल्ली से। पूरी टीम के साथ हम जा रहे हैं। हाँ, मन में एकदम। हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि ये अभी तक के जितने भी कंपटीशन हुए हैं उसमें सबसे लंबा कैंप ये हाँ एशियन का है, और कैंप भी बहुत बढ़िया मिला है। लगभग हम पिछले 2 महीने से तो लगातार 3 महीने से कैंप में हैं, उससे पहले भी 1 महीना गैप था, फिर उससे पहले भी 2 महीने का कैंप था, तो लगभग तैयारी अभी अपना बेस्ट देने को तैयार है। टीम के नेतृत्व में तो आपने किस तरह की प्रैक्टिस और कितना टाइम आपने डिवोट किया है इन सभी? सर, हमने 2 महीने कैंप लगाया है औरंगाबाद में और अभी हम साई सोनीपत में हैं और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की है, आई होप हम बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो कोई सब मैसेज इनके लिए इंस्पायरेबल के जाने से पहले? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चों को पॉजिटिव रहे, जो प्रैक्टिस किया है अपने होम ग्राउंड पे वही अपना जो एशियन गेम्स होने वाला है उसमें बिल्कुल ऐसे ही करे, पॉजिटिव रह करके, और अपना जो प्रैक्टिस किया है इन्होंने बच्चों ने अपने होम ग्राउंड पर अपने जो नेशनल कैंप के दौरान, बिल्कुल ऐसा ही वहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा। आर्चरी एस्कॉर्ट हुआ है, यस। ये मैं इसका एस्कॉर्ट हूँ, टीम प्लेयर। कैसी तैयारियाँ रही हैं आपकी? तैयारी तो जोरों से रही है, बस आपने तैयार बहुत जोर से, तैयारी तो जोरों से ही है। क्या लगता है मेडल जीत के लाएंगे? जरूर चाहिए, इसलिए जरूर मेडल, तिरंगा तो ऊपर ही ले रहेगा। आप बताएं। मैं सर, मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा से हूँ। तो आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम एशियन गेम में जा रहे हैं और मेडल लेके आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार जरा विक्ट्री आप बना दीजिए, सभी जीत के आएंगे। कुछ आप मैसेज भी दीजिए कि जाने से पहले? नहीं सर, जाना है बस, मेडल तो है ही बट गोल्ड लेके आना है बस। गोल्ड लेके आना है सभी को, फ्लैग ऊपर रहना चाहिए, फ्लैग ऊपर रहेगा, झंडा पर आके आएंगे, झंडा पर आके आएंगे। विदाई समारोह के अध्यक्ष में यहाँ इकट्ठे हुए हैं, आने वाले गेम्स के लिए हमारी काफ़ी अच्छी तैयारियां हैं, बहुत हमने जी जान लगा के मेहनत कराए हैं और हमारा पूरा पूरा फोकस रहेगा कि हम इंडिया को गोल्ड मेडल ही दिलाएं। किस गेम से आप? हाँ, मेरा है एथलेटिक्स में शॉट पुट, डिस्कस और जेवलिन। सभी एथलीट्स हैं अलग अलग? सारे एथलेटिक्स के ही हैं। नीरज यादव। आप बताएं किस गेम से? मेरा मनजीत अलावत नाम है जी, मैं तीनों एथलेट्स के गेम है ही, शॉर्ट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो। तो आपको अपने कोचेस का कितना सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा, हमारा सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट काफ़ी अच्छी कोचिंग दे रहे हैं, सब बढ़िया। अच्छा, तो क्या है मन में उम्मीद के? उम्मीद ये है जी, अगर
अपने मेहनत करी जिसे उस हिसाब उस हिसाब से गोल्ड मेडल आए अपने एशियन गेम में, यही फोकस है कि अपना मेहनत के हिसाब से जिस हम देश के लिए गोल्ड मेडल आए हम। बड़े गौरव की बात है कि जरूर लाएंगे हम। थैंक यू। बताएं सर किस से? मैं रमन खेल से। अच्छा, एथलेटिक्स में रनिंग 100 और 200 मीटर्स। क्या तैयारियाँ रही? और तैयारी बहुत अच्छी है अभी तक। कितना उत्साह है? मन में भरपूर उत्साह है और मेडल लाना ही है। बिल्कुल जरूर मेडल जीतना है देश के लिए अपने लिए। आप बताइए सर कैसी तैयारियाँ? तैयारी अच्छी चल रही है। मेरा नाम मोनो बनगा सर, मैं शॉट पुट और डिस्कस का थ्रोअर हूँ। इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के लेके आऊँगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप बताइए सर किस गेम से? सर मैं एथलेटिक्स से हूँ, मेरा नाम सोनू सिंह है और सर मैं शॉट पुट डिस्कस करता हूँ और पूरी उम्मीद है कि देश के लिए मेडल ला करके और देश का नाम रोशन करूँगा। जी हम इनके स्कॉट हैं। अच्छा अच्छा। मेरा नाम याना जाना, प्रैक्टिस कराना। अच्छा, सब इनके साथ हम कराते हैं। हमें उम्मीद है कि हम देश को गोल्ड मेडल दिलाएं। आप बताइए। बोल 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 मेडल तो लेके आएंगे जरूर। मैं एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप करता हूँ। बहुत अच्छी तैयारी है। गोल्ड मेडल लेके आएंगे जरूर। तो जो आपकी तैयारियाँ रही तो उसमें आपको कोई कठिनाई आई किसी? हाँ कठिनाई तो आती है लेकिन कठिनाइयों को सामना करना ही हमारा काम। कठिनाइयों को पार करके ही हमें। हाँ कठिनाइयों को पार करके। आप बताइए किस गेम से? सर मेरा नाम विशाल कुमार है, मैं भी एथलेटिक्स से हूँ, 1500 मीटर रनिंग से। मैंने भी तैयारी बहुत की है सर, मैं लड़ूंगा तो सिर्फ गोल्ड मेडल के लिए सर। मेरा नाम निधि मिश्रा है और मैं अभी एशियन गेम्स में, मेरे 3 इवेंट्स हैं एशियन गेम्स के लिए। अच्छा, तो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं, वो किस किस में आप खेलेंगी? डिस्कस थ्रो मेरा जो मेन इवेंट है एंड 100 मीटर स्प्रिंट है और शॉर्ट पुट, यही 3 इवेंट्स हैं मेरे। कैसी तैयारी रही है आपकी और क्या लगता है मन में, कितना उत्साह है? सर बड़े गेम्स हैं ये और अपनी तरह हमारी रैंकिंग भी अभी तक तो बेस्ट है और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है कि मेडल भी आएगा। मेडल जरूर आएगा और देश का नाम रोशन भी करेंगी आप जो है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।